तो दोस्तों आज हम लोग एक रबर बैंड पावर्ड कार बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह से एक खाली पेन को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक पाइप को ले लिया है, जो कि फ्रूटी पीने वाला जो पाइप आता है उसको ले लिया है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से दो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से दो छोटे छोटे टुकड़ों को काट लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेन के आगे वाले और पीछे वाले दोनों साइड में हम लोग इस पाइप को कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने चिपका दिया, तो इसके पीछे वाले साइड में चिपकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गैप बना लिया है। तो और इसको भी मैं यहाँ पर फेविक्विक की मदद से चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है। अब हम लोग कुछ इस तरह के दो छोटे छोटे ढक्कनों को ले लेंगे और इसके बीच में हम लोग एक छोटा छोटा होल बना लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इनके बीच में छोटे छोटे दो होल बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक के जो टूथपिक होते हैं उनको ले लिया है। तो पहले हम लोग एक ढक्कन के होल से कुछ इस तरह से इस टूथपिक को पार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस पेन वाले बॉडी को लेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से इसके एक साइड से, मतलब आगे वाले साइड से हम लोग इस टूथपिक को कुछ इस तरह से पार कर देंगे और इसके दूसरे ढक्कन को भी हम लोग कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस साइड में मैंने इसको लगा दिया है, काफ़ी अच्छी तरह से फ्रीली घूम रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे साइड में लगाएंगे। तो इसके पीछे साइड में लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उस ढक्कन से थोड़ा सा बड़ा वाला ढक्कन, और इसके बीच में भी मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर होल कर दिया है। तो अब हम लोग एक और टूथपिक लेंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले ढक्कन में लगाया था। तो सेम प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसके पीछे वाले साइड में भी कुछ इस तरह से इसे चक्के को लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको लगा दिया। तो गाइज मैंने आपको चिपकाने वाले सीन नहीं दिखाए, नहीं तो वीडियो लंबा आ जाता, तो मैं आप लोग को डायरेक्ट इसको चिपका के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने एक पाइप का टुकड़ा ले लिया, यहाँ पर एक गैप बना लिया इसको कुछ इस तरह से इस जगह पर चिपकाने के लिए। तो इसको भी फेविक्विक की मदद से मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपका दिया है। तो इसको चिपकाने के बाद अब हम लोग एक और टुकड़े को लेंगे और इसके सीधे आगे वाले पार्ट पर भी हम लोग कुछ इस तरह से इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो गाइस इसको आपको थोड़ा सा चपटा कर लेना है। इसको चपटा करने के बाद इसको हमें लगाना है आगे वाले पार्ट पर, तो इसको भी हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के बाद अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक और टुकड़े को ले लिया है। तो गाइस ये आपको चपटा नहीं करना है, ये आपको गोली रहने देना है। इसको भी हम लोग इस जगह पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले काम को करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए ले लेंगे हम लोग कुछ इस तरह के दो रबर बैंड और इसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कलर में डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने शाम को शूट किया था और इसको मैं दोबारा से सुबह में शूट कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसको करने के बाद अब हम लोग इस तरह के एक मोती के टुकड़े को ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस मोती के बीच में जो होल होता है उससे हम लोगों ने अपने रबड़ को इस तरह से पार कर दिया। तो मैंने इसको इस तरह से पार कर दिया है और इसको गांठ मार दिया, तो अभी हम लोग का जो रबड़ है इससे पार नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के जो कार के जो पीछे वाले पार्ट से हम लोग इस रबर बैंड को इस होल से निकाल देंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से निकालने के बाद अब हम लोग इसको इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर खींचने के बाद हम लोग इसके आगे वाले पार्ट में जो एक और पार्ट को चिपकाया था उसमें हम लोग इस रबर बैंड को कुछ इस तरह से फंसा देंगे। तो फाइनली ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, जो मोती हम लोगों ने लगाया है ये हम लोग का कुछ इस तरह से फ्रीली घूम सके। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक छोटे से प्रोपेलर को ले लिया, पंखी को ले लिया है, इसको हम लोग इस मोती में कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग का कार है ये फाइनली बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो इसको चलाने के लिए सिंपल से आपको कुछ इस तरह से इस रबर बैंड को मोड़ना है। इसको मोड़ने के बाद ये जो इसको छोड़ देंगे तो इससे हवा निकलेगा और इससे चलेगा। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करके देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप लोग को इस रबर बैंड को बहुत ही अच्छी तरह से कम एक मिनट तक आपको इसको कुछ इस तरह से घुमाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से लोड हो जाए। इसको इस तरह से करने के बाद सिंपल से आपको इसको छोड़ देना है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।